السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. मैं हूँ रशीद अहमद. आप देख रहे हैं हेल्थ टच रशीद अहमद यूट्यूब चैनल. आपको मेरी चैनल पे हेल्थी और टेस्टी और नई नई रेसिपी रोज देखने को मिलेगी. आप अगर अच्छी अच्छी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को हिट कर लें और आल का ऑप्शन जरूर चुन लें. चलिए देखते हैं आज की रेसिपी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज मैं आप लोगों के साथ लाल मिर्ची का चिल्ली फ्लेक बनाने का तरीका बताऊंगा. सबसे पहले लाल मिर्ची लेके इसको धूप में एक दिन को अच्छे से सुखा लें. उसके बाद इसमें एक एक पीस का सबका डंडी निकाल के हटा दें. डंडी हमारे को नहीं चाहिए, उसको चाहिए तो आप अलग रख लें, मसाले वसाले में पीस सकते हैं. और ये सभी मिर्ची को दो दो टुकड़े कर लें. अब छोटा छोटा करके पूरा रेडी कर लें. उसके बाद इसको एक मिक्सी जार के अंदर संभाल के डालें. ये पाउडर बहुत उड़ता है इसलिए संभाल के रख डालें. नाक में कुछ कपड़े वपड़े बांध लें ताकि आपके नाक में ना घुसे. ये हर घर में रहना चाहिए. यह सब्जी उब्जी में डालने में, कबाब के अंदर सब यूज़ करने में अच्छा टेस्ट आता है. इसको अच्छे बारीक से इसको एक से दो मिनट खाली पीसें. बहुत ज़्यादा पीसने की ज़रूरत नहीं है. यानी इसका मोटा मोटा दरबरा है तो बस ये रेडी हो गया है. अब इसको हम एयर टाइट बॉक्स के अंदर भर के रख लेंगे. ऐसा ये एक बार रख बना लें, आपको महीना दो महीना आराम से चलता है. सब्ज़ी के अंदर डालने में अच्छा रहता है. साग है, कबाब वबाब के अंदर डाल के रखें. अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, वीडियो को शेयर कर लें. अच्छा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह.